अभी हम छपरा में हैं और देखेंगे कि बरसाती बारिश हो जाने के बाद ये पूरे जो रोड है पूरा जल से पूरा पानी से भर गया है। और आप देखेंगे तो ये म्यूनसिपैलिटी चौक से थाना चौक जाने वाला रोड है और ये तमाम जो देखेंगे यहाँ पे नगर निगम का बोर्ड लगा हुआ है। नगर निगम के गेट पर इस तरह की जो पानी आपको देखने को मिल रहा है और काफी पानी हो जाने के बाद जो लोग हैं ये पानी के सामना करते, इस तालाब को सामना करते आ रहे हैं। काफी लोग इस नाले में गिर भी गए हैं, लेकिन कुछ स्थानीय लोग हैं, कुछ इन लोग से बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मसरक ब्लॉक से। भाई बारिश कब से हो रहा है यहाँ? सुबह से हो रहा है। ऐसे ही पानी आप लोग खेल के जा रहे हैं? पानी भीग गए हम लोग। हाँ, और पेपर इंटरव्यू था, हम लोग आए थे, पूरा भीग गए हम लोग। इतना पानी लगा हुआ है पूरा, एकदम जैसे लग रहा है कि गांव से भी बदतर है, शहर है ये। बोलिए, तो देखेंगे कि जो लोग आने वाले हैं इस पानी के सामना करके आ रहे हैं और तमाम जो देखेंगे कि जो गाड़ी आ रहा है ये लग रहा है कि तालाब जैसे इस पानी को हेलते हुए आ रहे हैं। और आपको बता दें कि शहर में लगातार नगर निगम विकास के दावे करती है और कहती है कि हमने शहर में विकास किया, लेकिन बरसाती पानी हो जाने के बाद विकास का पोल खोल कर रख दिया है। और यही कारण है कि तमाम जो रोड है, आपको बता दें कि ये छपरा का मुख्य रोड है, यहाँ पे कुछ ही महज यहाँ से 10 कदम में डीएम कार्यालय है, इसी के 10 कदम में एसपी कार्यालय है और सामने देखेंगे ठीक तो ये नगर निगम है। नगर निगम का बोर्ड लगा है और ये शहर का सबसे बिजी रास्ता है और इस रास्ते पर देखेंगे कि किस तरह से जल जमा हो गया है, लेकिन अभी तक किसी का ध्यान नहीं है। तमाम जो लोग हैं इसी से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि ये आपको दिख रहा होगा, ये नाला है, नाला जाम हो जाने के बाद इस पे पानी के जो जल जमाव है वो हो जा रहा है और यही कारण है कि इस तरह शहर में, मेन शहर में इस तरह के पानी का जल जमा हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे कब से पानी लगा हुआ है? पानी आज सुबह से लगा है सर। जब बारिश होता है तब लग जाता है? कितना परेशानी होता है इससे? बहुत परेशानी होता है, दो आदमी गिरा भी है। कब से माने इस तरह के हो रहा है, कितना दिनों से हो रहा है? आज ही हुआ है। जब बारिश होता है तब? हाँ, बारिश होता है तब हो सर। और तमाम जो बारिश जो है वो लगातार हो रहा है, जिस वजह से आपको बताएं कि पूरे शहर जलमग्न हो गया है। और यही कारण है कि ये तमाम जो देखेंगे महिलाएं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस सड़क से गुजर रहे हैं तो ये पानी को पार करते हुए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के ध्यान नहीं है, जिस वजह से इस तरह के जल जमाव हमेशा जब भी बरसात होता है तब शहर में देखने को मिलता है। अब देखना यह होगा कि नगर निगम इसके पानी को निदान के लिए क्या कार्रवाई करती है और ये नाले क्यों कम से कम कब सफाई करते हैं। कैमरा पर्सन ज्योति के साथ चंदन कुमार चंचल, TNP न्यूज़ छपरा।